वेलकम टू माय चैनल आलिया सिलाई कटिंग। आज हम प्रिंटेड शर्ट की कटिंग करेंगे। इसमें ये जो प्रिंट है ये रॉन्ग साइड में आया हुआ है, इसको हम किस तरह कट करेंगे वो देखेंगे। इसमें शोल्डर है, इसका मेजरमेंट है, शोल्डर है 6 इंच, चेस्ट है 36, कमर है 32, हिप है 40, घेर है 22, आर्म होल है 8। इसका फोर्थ पार्ट हम लेंगे, चेस्ट का 9 इंच, कमर का 8 इंच, हिप का 10.5 और घेर का 11.5 फोर्थ पार्ट पे। तो ये रॉन्ग साइड में, अब इसमें कपड़े में एडजस्ट करना पड़ता है। जो हमारा प्रिंट आता है वो कंपनी वैसे नहीं देती है हमें बराबर, तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये ओपन साइड है, लेकिन कैटलॉग में हमारा डिज़ाइन इस तरीके से सामने का भी है और बैक साइड में भी इस तरीके से आया हुआ है। लेकिन अभी इसको कटिंग हम किस तरह करेंगे, ये भी साइड, ये ओपन साइड आया गया है। तो हम पहले शुरू इसका बैक निकाल देंगे। बैक के लिए सेम मेजरमेंट निकालेंगे इसका, जैसा हम नॉर्मल शर्ट का कटिंग करते हैं वैसे। थर्टी सेवन की इसकी लेंथ है, 37। अब यहाँ पर भी ये प्रिंट है, ये प्रिंट भी हमें घेर पे चाहिए, तो हमें यहाँ पे 37 यहाँ से टच करके मार्जिन का लेकर यहाँ तक आएगा। इसका गला लेंगे हम 2.5 इंच और शोल्डर है 3.5 इंच, टोटल हो रही वो 6 इंच की शोल्डर हो जा रही। और बॉक्स हम इसका बनाएंगे, आर्म होल का बॉक्स भी 6 इंच का ही बनाएंगे। चेस्ट 36 आ रही, तो उसका फोर्थ पार्ट 9 इंच हो रहा, 9 इंच हम यहाँ पे टच कर देंगे, 1 इंच मार्जिन। आर्म होल 8 इंच का है, 8 इंच हमें इसमें बिठा देना है। मैं इसको टेप को इस तरह गोल करती हूँ, ये 8 इंच, और जहाँ गोल शेप आया वो हमारा आर्म होल हम डाल देंगे। फ्रंट साइड, ये बैक साइड है, फ्रंट साइड में हम फिश कट काटेंगे, ये बैक साइड है। बैक साइड का गला इसका 5.5 इंच, ये जो हमारी चेस्ट है 9 इंच की आई, तो कमर यहाँ से 15 इंच के ऊपर हमें कमर की निशानी लेंगे, और वो 8 इंच की होगी, 32 का फोर्थ पार्ट 8 इंच, 1 इंच मार्जिन, इसमें मार्जिन मिला दिए। अब ये यहाँ से 13 इंच पे चौक का निशान होता है, 12 इंच पे भी होता है, 14 इंच पे भी होता है, जहाँ आप में माप जिसका जितना है उसके हिसाब से लेंगे। यहाँ पर हमारी हिप आएगी, तो यहाँ पर हमें 10.5 लेंगे हिप, जो नॉर्मल में मैं जितना चेस्ट होता है उससे 1 इंच बढ़ के हिप में लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने 9 इंच के उसका चेस्ट आया है, तो हिप में 1 इंच बढ़ के मतलब 10 इंच होता है, और इसका मार्जिन 0.5 इंच, 10.5 ली हूँ मैं यहाँ पर, 10.5 इंच लेके इसको मिला दिए, यहाँ पे कट का निशान आएगा। और अब घेर इसका जो भी हमारी हिप होगी उससे 1 इंच बढ़ के मैं घेर लेती हूँ, तो यहाँ पे 10.5 ली हूँ, तो यहाँ पर 11.5 के इसका घेर, और यहाँ से 0.5 इंच थोड़ा सा ऊपर लेके इसको थोड़ा सा क्रॉस करेंगे, ये इसको मैं इसमें मिला देती हूँ मार्क में। कट करेंगे,
ये यहाँ पे कट का निशान आएगा, 15। ये बैक साइड हमारा कट हो गया। यहाँ पर हमारा फिटिंग का कच का आएगा और ये साइड में हमने जो आधा इंच ऊपर ली थी, मैं इसको अभी थोड़ा सा छाट दूंगी। ये हमारा बैक साइड तैयार हो गया। अब हमें ये कपड़े पे फ्रंट साइड में सेम ये डिज़ाइन का इस तरीके का आना है। तो ये ओपन साइड है, तो अभी इनको ओपन साइड में ही इसका नेक डिज़ाइन जैसा बनाएंगे। नीचे तक ओपन रहेगा, यहाँ पे थोड़ी सी पाइपिंग आएगी और यहाँ से थोड़ा सा ओपन कर देंगे। इस तरीके से इसको लेंगे, तब सामने का फ्रंट अभी हम इसको इसके ऊपर रख के हम उससे एक इंच बढ़ के ज़रा सा काट देंगे। ये बैक साइड हम इसके ऊपर रख देंगे। ये हिस्सा फोल्डिंग में जाएगा जब हम इसके ऊपर पाइपिंग लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे आधा इंच के उतना मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ, सिलाई में जाएगा। अब इसको हम इसके बराबर कट कर देंगे। यहाँ पे कट लगेगा, यहाँ से हमें बराबर इसके बराबर काटेंगे, लेकिन ये यहाँ पर हमें एक इंच कितना हमें ज़्यादा कपड़ा छोड़े फोल्ड में जाएगा। यहाँ पे मैं गला अभी इसके ऊपर छोटा काटी हूँ, सामने का नेक बड़ा होता है, लेकिन ये यहाँ पे हमारा सेंटर आएगा, इसलिए यहाँ पे कट लगाएंगे। इतना कपड़ा हमारा नीचे तक फोल्ड हो जाएगा, ये इतना इसके बराबर हो जाएगा, इस तरह फोल्डिंग में जाएगा, इसलिए ये थोड़ा सा बढ़ के लिए। और सीते वक्त इसको जितना हमारा नेक है उसके हिसाब से हम कट करेंगे फ्रंट वाले नेक को। यहाँ पे जो कट है उसके कट के बराबर हमें ये कट लगा देंगे। सामने का आर्म होल हमें यहाँ से 1 इंच के उतना हमें गहरा लेना है। ये इसमें बहुत टेंशन होता है, ये आर्म होल कैसा लेना है कैसा नहीं, इसमें सब कंफ्यूज होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत होता है इसको इसी तरीके से आसानी से ले सकते हैं, कोई टेप की स्केल की ज़रूरत तो नहीं है। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है, हमने यहाँ पे कट लगाए हैं, यहाँ से इतना फोल्ड हो जाएगा। ये हमारा प्रिंटेड शर्ट कट हो चुका है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका फ्रंट किस तरह बना स्टिच करेंगे वो दिखाऊंगी। इसको अच्छा खूबसूरती में इसका नेक तैयार हो जाएगा, सामने वाला ओपन फ्रंट। तो स्टिचिंग में मैं दिखाऊंगी वो किस तरह करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम इसकी स्लीव्स निकालेंगे।